इस वीडियो के अंदर हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स लेंगे. वो जस्ट दो ही हैं आपके न्यूमेरिकल्स डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बैक एक्सरसाइज के. वो है पेज नंबर आपकी 60 के ऊपर. पेज नंबर 60 पर आपका क्वेश्चन नंबर है 2.20. 2.20 आपको दे रखा है क्वेश्चन. इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि 5% आपका केन शुगर का सॉल्यूशन है आपका वाटर के अंदर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है. ठीक है, तो आपको 5% केन शुगर के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ आपका. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है 5% केन शुगर का जो सॉल्यूशन है इसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 271 केल्विन. तो आपको टीएफ सॉल्यूशन का, कौन से सॉल्यूशन का, केन शुगर के सॉल्यूशन का आपको टीएफ गिवन है, वो आपको गिवन है 271 केल्विन. इसका टीएफ आपको गिवन है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन इज गिवन टू यू एज 271 केल्विन. ठीक है, आपको बोला जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करो 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का जब आपका प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपका 273.15 केल्विन है. आपको बोला जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि 5% का जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है आपको बोला जा रहा है इसका टीएफ इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन का आप क्या करो, फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का आप कैलकुलेट करो. और आपको टीएफ नॉट आपको गिवन है, कितना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज गिवन टू यू 273.15 केल्विन. क्योंकि सॉल्वेंट यहां भी आपका वाटर है, सॉल्वेंट है, और यहां भी आपका क्या है, वाटर सॉल्वेंट है. तो ऑब्वियसली जो टीएफ नॉट होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा. फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर वाटर का आपका क्या होता है, फिक्स होता है, इट इज 273.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, वो आपको ऑलरेडी गिवन है. और आपको क्या गिवन है, आपको केन शुगर सॉल्यूशन का आपका टीएफ गिवन है, आपको गिवन है टीएफ यानी कि केन शुगर सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 271 केल्विन आपको गिवन है, और केन शुगर सॉल्यूशन का जो परसेंटेज आपको गिवन है वो 5% गिवन है. यानी कि आपको जो केन शुगर सॉल्यूशन का परसेंटेज गिवन है, यानी कि अगर आपका केन शुगर सॉल्यूशन 5% है तो इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम केन शुगर का आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर. तो इसका मतलब यहां पर वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा वाला ले रहे हैं हम, केन शुगर वाला, तो केन शुगर वाला जो सॉल्यूट है इसका 5 ग्राम आपका प्रेजेंट है, सॉल्यूट मतलब सेकेंड कॉम्पोनेंट. और 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, 100 में से 5 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 95 ग्राम हो जाएगा. तो W1 आपका जो दे रखा है वो आपको दे रखा है, आपको 95 ग्राम दे रखा है आपको. ठीक है, तो यानी कि वेट ऑफ दी सेकेंड कॉम्पोनेंट जो आपका केन शुगर वाला है, सेकेंड कॉम्पोनेंट केन शुगर वाले सॉल्यूशन का, वो दे रखा है आपको 5 ग्राम. और जो वेट वन फर्स्ट कॉम्पोनेंट का, जो आपको वाटर का जो वेट दे रखा है आपका, वो आपका दे रखा है 95 ग्राम. ठीक है, तो ये जो मेरा डेटा हो गया, दिस इज माय डेटा फॉर केन शुगर वाले सॉल्यूशन का. ठीक है, अब हमें देखना है ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का. ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन के लिए टीएफ नॉट तो वही रहेगा जो आपका केन शुगर वाले सॉल्यूशन का है, क्योंकि ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए भी सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर ही है. तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर का तो वही रहेगा आपका टीएफ नॉट, क्या रहेगा, 273.15 केल्विन. अब आपको इसका जो टीएफ है वो आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज इसकी भी क्या दे रखी है, 5% दे रखा है. अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि ये केन शुगर है तो आपको मैं बता देती हूँ कि केन शुगर का जो मोलर मास होता है वो होता है 342. तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एक डेटा और आपको गिवन है, दैट इज हमें पता है जो केन शुगर होता है आपका, यहीं पर आपका मैं लिख रही हूँ, M2 यानी कि मोलर मास जो है केन शुगर का वो होता है 342 ग्राम पर मोल, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है,
ये आपका है 342 ग्राम पर मोल। इसका फॉर्मूला होता है केन शुगर का, केन शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C12H22O11। यहां से आपका मोलर मास केन शुगर का हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोलर मास यानी कि सेकंड कंपोनेंट केन शुगर का आपका जो मोलर मास है वो है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम आपका लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इससे इसका जब मोलर मास कैलकुलेट करते हो तो मोलर मास सेकंड कंपोनेंट का, अब सेकंड कंपोनेंट तो ये भी हो सकता है ग्लूकोज भी हो सकता है, केन शुगर भी हो सकता है, क्योंकि मैं ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन की वैल्यू लिख रही हूँ तो मोलर मास यहाँ पे मैं किसका लिखूंगी, ग्लूकोज का, वो होता है 180 ग्राम पर मोल आपका होता है। ठीक है, आप यहाँ इस फॉर्मुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे आपका। और आपको यहाँ पर 5% सॉल्यूशन दे रखा है। 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वेट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट जो आपका ग्लूकोज है वो आपको क्या दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो यानी 5 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट जो ग्लूकोज है वो आपका 5 ग्राम है और वेट ऑफ द सॉल्यूशन आपका क्या है, 100 ग्राम है। अगर सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है जिसमें से 5 ग्राम आपका ग्लूकोज है तो बाकी का वेट जो वाटर का होगा आपका वो आपका कितना है होगा, 95 ग्राम होगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि वाटर ये आपको गिवन है 95 ग्राम। तो अगर आप देखो तो वेट ऑफ केन शुगर भी 5 ग्राम है, वेट ऑफ ग्लूकोज भी आपका 5 ग्राम है। दोनों सॉल्यूशन में ग्राम के मामले में अगर हम देखें तो दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम इक्वली डिसॉल्व हुआ है और इक्वल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है, यानी कि W1 इधर भी आपका वेट ऑफ द सॉल्वेंट 95 ग्राम है, उधर भी आपका केन शुगर वाले में भी, यानी कि केन शुगर वाले में भी वेट ऑफ द सॉल्वेंट 95 ग्राम है, ग्लूकोज वाले में भी वेट ऑफ द सॉल्वेंट आपका 95 ग्राम है। फर्क आपका क्या है, दोनों के मोलर मासेस में आ रहा है, ग्लूकोज का 180 होता है और केन शुगर का मोलर मास है 342 होता है। ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से आपका इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो 271 है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट अब आपका हम देखेंगे क्या आता है आपका कैलकुलेट करके। ठीक है, तो हमारे लिए जो कैलकुलेट करना है जो हमें वो आपको करना है, जो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यानी कि आपको जो कैलकुलेट करना है आपको करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका डेटा है जो आपको गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके से दो सॉल्यूशन दिए जाए तो एक एक सॉल्यूशन से आप कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल करके दूसरे सॉल्यूशन के अंदर उस कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, हमेशा ये जब दो सॉल्यूशंस का डेटा दिया जाता है तो वो इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, अब पहला सॉल्यूशन आपका केन शुगर है उसके लिए ये सारा डेटा गिवन है, दूसरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसके लिए ये सारा डेटा गिवन है आपको। ठीक है, अब क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट मेरा क्या है, वाटर है। ठीक है, तो और हमें पता है के एफ की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है, आपकी सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस के अंदर इसमें भी और इसमें भी दोनों में ही आपका सॉल्वेंट वाटर है तो इसका मतलब दोनों के लिए ही के एफ की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी और सेम होगी। तो पहले हम फर्स्ट वाला सेट यानी कि केन शुगर वाले सॉल्यूशन से, अगर मैं केन शुगर वाले सॉल्यूशन वाले डेटा से के एफ की वैल्यू निकाल लूं तो उसको मैं ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन के जो डेटा है उसमें आपका के एफ की वैल्यू क्या कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों के लिए के एफ की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं केन शुगर सॉल्यूशन। केन शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता है डेल्टा टी एफ इसके इक्वल होगा के एफ इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू वन अपॉन डब्ल्यू वन इन ग्राम इंटू थाउजेंड। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ के लिए आपको डेल्टा टी एफ क्या होगा आपका, डेल्टा टी एफ होगा आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यही होगा आपका। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू के एफ, ये के एफ किसका है आपका, वाटर का है, क्योंकि यहां तो वाटर का ही लेंगे आपका, के एफ तो हमेशा सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो ये आपका जो के एफ है
ये केएफ की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, देखो उस डेटा में कहीं भी हमें केएफ की वैल्यू गिवन नहीं है। डब्ल्यू टू मैं किसका लूंगी, केन शुगर का लूंगी। डब्ल्यू टू केन शुगर के सोल्यूशन का आपका क्या दे रखा है, 5 ग्राम। मोलर मास केन शुगर का आपका क्या होता है, 342 होता है, इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू वन। डब्ल्यू वन वेट ऑफ वाटर आपको क्या दे रखा है, 95 ग्राम दे रखा है, इंटू ये हो गया आपका 1000। डेल्टा टी एफ वाले में वैल्यू पुट करो, टी एफ नॉट आपको क्या दे रखा है, 273.15 दे रखा है। और सॉल्यूशन कौन से, केन शुगर सॉल्यूशन के लिए टीएफ की वैल्यू क्या है, टीएफ की वैल्यू केन शुगर सॉल्यूशन के लिए है 271। तो 271 ये हो गया केएफ इंटू 5 अपॉन 342 इंटू 1 अपॉन 95 इंटू 1000, यही हो गया आपका। तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी कैलकुलेट करके केएफ की, वो आएगी 13.97 कैल्विन किलोग्राम पर। सारी वैल्यूज पुट करके केएफ अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है, तो यहां से कैलकुलेट करके केएफ आ गया 13.97 कैल्विन किलोग्राम पर। ठीक है, तो ये केएफ की वैल्यू में, अब जो केएफ की वैल्यू मैंने ऊपर से निकाली है केन शुगर सॉल्यूशन के लिए निकाली है, यही केएफ की वैल्यू यहां यूज हो सकती है, क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और केएफ की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अगर दो सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट सेम होंगे तो उनके केएफ की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। तो जो केएफ की वैल्यू यहां से यहां पर इस डेटा से निकाली है मैंने, यानी कि 13.97 जो निकाली है, वो केएफ की वैल्यू मैं इस डेटा के अंदर ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन में यूज कर सकती हूँ। तो यहां पर केएफ की वैल्यू यानी कि क्या आ गई, 13.97 केल्विन किलोग्राम पर। ठीक है, तो अब मैं आपका सेकेंड वाला सॉल्यूशन ले रही हूं, दैट मीन्स ग्लूकोज का सॉल्यूशन, और उसमें वैल्यूज पुट करूंगी। अब मैं आपका ले रही हूं आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ग्लूकोज के सॉल्यूशन के अंदर भी हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा टीएफ जो ग्लूकोज के सॉल्यूशन का होगा वो केएफ इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू 1 अपॉन W1 इन ग्राम्स इंटू 1000 होगा। डेल्टा टीएफ क्या होगा आपका, डेल्टा टीएफ की जगह हम लिख सकते हैं आपका टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब ये जो टीएफ होगा वो किसका होगा, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का आपका होगा आपका। ठीक है, टीएफ नॉट आपका क्या है, टीएफ नॉट ग्लूकोज के सॉल्यूशन में आपका क्या है, 273.15 ही है। तो 273.15 माइनस टीएफ ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये मुझे ग्लूकोज सॉल्यूशन का टीएफ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। केएफ की वैल्यू मैं ऑलरेडी पिछले वाले सेट ऑफ डेटा से जो मैंने निकाली थी 13.97 वही पुट करूंगी। तो 13.97 इंटू डब्ल्यू टू यानी कि वेट ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर जो डब्ल्यू टू है यानी कि वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज क्या है, 5 ग्राम है। तो ये हो गया ग्लूकोज का डब्ल्यू टू आपका ग्लूकोज का 5 ग्राम है अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का। मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180 इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि वाटर आपको दे रखा है 95 ग्राम इंटू 1000। तो यहां से आपका जो टीएफ आएगा ग्लूकोज सॉल्यूशन का वो आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके 269.07 केल्विन। तो जो हमें कैलकुलेट करना था वो हमारा आ गया ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट, ग्लूकोज का ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमने आपका क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो विद दिस दिस न्यूमेरिकल इज ओवर। नेक्स्ट वन इज योर 2.21, पेज नंबर 60 पर ही आपका है 2.21 न्यूमेरिकल है आपका 2.21।
अब आपके पास है 2.21 न्यूमेरिकल, आपको बोला जा रहा है दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जो मिल करके दो कंपाउंड्स बनाते हैं Ab2 और Ab4। तो दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ये मिल करके दो कंपाउंड बना सकते हैं Ab2 और Ab4। ठीक है, आपको बोला जा रहा है जब आप 20 ग्राम बेंजीन के अंदर 1 ग्राम इस Ab2 का डिसॉल्व करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन का 2.3 केल्विन हो जाता है, 2.3 केल्विन लो हो जाता है, और जब 1 ग्राम Ab4 डिसॉल्व करते हो तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है, कितना हो जाता है 1.3 केल्विन हो जाता है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, दोनों का ही 1-1 ग्राम दे रखा है, आपको बोला जा रहा है ये बेंजीन है, जो कि आपका क्या है सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट को हम कंपोनेंट नंबर 1 से डिनोट करते हैं। आपको बोला जा रहा है इस बेंजीन का मेरे 20 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका मेरे 20 ग्राम, बेंजीन सॉल्वेंट है, सो W1 इज वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट आपको क्या दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, 20 ग्राम आप वेट ऑफ द सॉल्वेंट यूज कर रहे हो। उसके अंदर अगर तो आप यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक बार आप 1 ग्राम Ab2 इस बेंजीन के अंदर डाल रहे हो और जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट लो हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका, वो हो रहा है 2.3 केल्विन हो रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन बना आपका, इसमें जो लोअरिंग हुई आपकी फ्रीजिंग पॉइंट की, वो आपकी हुई है 2.3 केल्विन हुई है। तो ये जो 2.3 केल्विन लोअरिंग हुई है ये तब हुई है जब आपने Ab2 सॉल्यूट को इस बेंजीन के अंदर डाला है, कितना डाला है 1 ग्राम डाला है। तो यानी कि आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो अगर मैं Ab2 के लिए आपका सबसे पहले डेटा लिखूं, Ab2 के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, बड़ा लिख देती हूँ मैं, अगर हम Ab2 वाले सिस्टम के लिए डेटा लिखें तो Ab2 वाले के अंदर मेरा वेट ऑफ द सॉल्वेंट आपका क्या है W1, वो तो है 20 ग्राम ही, ठीक है, और कितना मैं वेट डाल रही हूँ आपका, आपका सॉल्यूट का, वो डाल रही हूँ मैं वेट ऑफ द सॉल्यूट में कितना डाल रही हूँ 1 ग्राम डाल रही हूँ, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है Ab2, अब जो सॉल्यूशन बनेगा 1 ग्राम Ab2 डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसे मैं बोलूंगी Ab2 सॉल्यूशन। तो Ab2 सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है वो आपका हुआ है 2.3 केल्विन। तो डेल्टा TF जो आपको इसके लिए दे रखा है Ab2 सॉल्यूशन के लिए, ये आपको दे रखा है 2.3 केल्विन दे रखा है। और आपको बोला जा रहा है अगर मैं इसी बेंजीन के अंदर 1 ग्राम Ab2 ना डाल के 1 ग्राम Ab4 बना देती हूँ, Ab4 आपका डालती हूँ, तो 1 ग्राम Ab4 डालने पर जो डिप्रेशन हो रहा है, जो सॉल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है Ab4 का सॉल्यूशन बन रहा है, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है Ab4 डालने की वजह से सॉल्वेंट में, वो हुआ है आपका 1.3 केल्विन, ये हुआ है 1.3 केल्विन। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ आपका, आपको अगर मैं डेटा लिखूं Ab4 के लिए डेटा लिखूं तो Ab4 के लिए भी वेट ऑफ द सॉल्वेंट तो वही है आपका 20 ग्राम ही है आपका, तो W1 तो वही है आपका 20 ग्राम है आपका, जो W2 है वो भी आपका क्या है 1 ग्राम है आपका, यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूट जो है वो भी आपका क्या दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है, सेकंड कंपोनेंट का सॉल्यूट का जो वेट है वो आपका 1 ग्राम है। लेकिन जो डेल्टा TF है आपका Ab4 का, जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है जो आपका Ab4 ऐड करने की वजह से, वो आपका आ रहा है 1.3 केल्विन, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका, और आपको बोला जा रहा है KF की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन के लिए आपको गिवन है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है KF की वैल्यू आपको गिवन है, KF की वैल्यू आपको क्या गिवन है, वो गिवन है 5.1 KF आपको गिवन है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब क्योंकि आपका बेंजीन इसमें भी सॉल्वेंट है और इसमें भी सॉल्वेंट है और KF की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तो जब दोनों में सॉल्वेंट सेम है तो दोनों के लिए KF की वैल्यू भी क्या होगी सेम होगी, यहाँ पर 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल है तो यहाँ पर भी KF की वैल्यू क्या होगी 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल होगी। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है ए और बी का, तो यानी कि आपको जो कैलकुलेट करना है यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट
you have to calculate small m, atomic mass of atom A and atomic mass of atom B आपको calculate करना है. अगर आपको atomic mass A और B का calculate करना है तो आपको पहले molar mass पता होना चाहिए किसका, Ab2 का और Ab4 का पता होना चाहिए ना आपको. तो सबसे पहला हमारा जो step होगा आपका होगा molar mass calculate करना, किसका, Ab2 का और Ab4 का. क्योंकि हमें पता है अगर मुझे मोलर मास यानी कि M2 सॉल्यूट है ना, Ab2 भी सॉल्यूट है, Ab4 भी सॉल्यूट है, तो M2 लिख रही हूं मैं. तो मोलर मास अगर मुझे Ab2 का पता लग जाए तो Ab2 का मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ A, A का एटॉमिक मास प्लस 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ B प्लस 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ B. सिमिलरली अगर मुझे मोलर मास Ab4 का पता लग जाए तो वो क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ B. तो अगर मुझे ये दो चीजें पता लग जाएं तो ये दो अननोन्स मैं कैलकुलेट कर सकती हूं क्योंकि मेरी दो इक्वेशंस बन जाएंगी आपकी. ठीक है, तो मेरा सारा का सारा फोकस मेरे क्वेश्चन का या न्यूमेरिकल का वो चला जाता है मोलर मास Ab2 का कैलकुलेट करने पर और मोलर मास Ab4 का कैलकुलेट करने पर. तो अब हमारा काम होगा मोलर मास Ab2 और Ab4 का कैलकुलेट करना. ठीक है, तो हम आपका कैलकुलेट करेंगे मोलर मास Ab2 का और Ab4 का. ठीक है, तो पहले हम Ab2 का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं इसका डेटा यूज करती हूं. ठीक है, तो Ab2 के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है इसके लिए क्या होगा, डेल्टा Tf ऑफ Ab2 सॉल्यूशन किसके लिए इक्वल होगा, Kf into W2 upon M2 into 1 upon W1 into 1000. W1 है यहाँ पर ग्राम्स में. तो डेल्टा Tf Ab2 का क्या दे रखा है आपको, 2.3 केल्विन, 2.3 आ गया, इज इक्वल्स टू Kf. Kf की वैल्यू क्या दे रखी है, 5.1 इंटू W2, इसके लिए W2 की वैल्यू है 1 ग्राम अपॉन M2. M2 मुझे नहीं पता, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसे मैं M2 और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ Ab2, जस्ट टू शो कि ये Ab2 का मोलर मास है क्योंकि सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पर दो है, एक Ab2 है और एक Ab4 है. तो यहाँ पर मैंने मोलर मास Ab2 यहाँ पर लिख दिया जस्ट टू शो कि ये मोलर मास जो सॉल्यूट है यहाँ पर सॉल्यूट आपका Ab2 है इंटू 1 अपॉन W1. W1 आपका 20 ग्राम इंटू 1000. यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे मोलर मास ऑफ Ab2. तो ये जो मोलर मास आपका Ab2 का कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 110.87 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो यहां से आपका ये आपकी वैल्यू आ गई. इसको हम आपका अलग से यहां पर लिख देते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है. तो M2 Ab2 का जो आपका कैलकुलेट करके आया है वो आया है 110.87 ग्राम पर. ठीक है, तो यहां से हमने मोलर मास Ab2 का लिख लिया. ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे Ab4 के लिए. टू की जगह आ गया Ab4 और यहां पर अब डेल्टा Tf आपका Ab2 की जगह क्या आ जाएगा, Ab4 का आ जाएगा. फॉर्मूला वही होगा आपका, डेल्टा Tf Ab4 का आपका क्या है 1.3, तो ये 1.3. Kf आपका क्या है 5.1. तो हमें अब आपका Ab4 का, देखो मैं डेटा ले रही हूं क्योंकि मैं अब आपका Ab4 के लिए सॉल्व कर रही हूं इक्वेशन, इंटू W2 आपका क्या है 1 ग्राम, तो यहां भी 1 ग्राम अपॉन मोलर मास M2 सॉल्यूट अब आपका क्या है Ab4 के लिए, Ab4 है, तो मैंने आपका ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि ये आपका जो सॉल्यूट है वो Ab4 वाला सॉल्यूट है, इंटू 1 अपॉन W1 यहां पर क्या है 20 ग्राम है, इंटू क्या हो गया 1000. तो यहां से आपका मोलर मास जो Ab4 वाला सॉल्यूट है उसके लिए आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 196.15 ग्राम पर. तो यहां से आपका ये वाले सेट से
मोलर मास जो Ab4 का कैलकुलेट करके आया वो आ गया 196.15 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एक बार मोलर मासेस आ गए तो अब हम वही दो इक्वेशंस यूज करेंगे और उससे एटॉमिक मासेस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपका करेंगे, हमें पता है मोलर मास ऑफ Ab2 होगा एटॉमिक Ab2 का होगा एटॉमिक मास ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ B। तो यहां वैल्यू पुट करें, मोलर मास Ab2 और मोलर मास Ab4 का होगा एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ B। ठीक है, तो मोलर मास जो Ab2 का होगा वो आपका कैलकुलेट करके क्या आया है 110.87। ये वैल्यू लिख दी, मास एटॉमिक मास ऑफ A और B मुझे नहीं पता। ठीक है, मोलर मास ऑफ Ab4 का मोलर मास आपका क्या है 196.15। ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ B। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशंस है 1 और 2 और दो ही अननोन है Ma और Mb। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी एटॉमिक मास ऑफ A की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 25.59 U, क्योंकि एटॉमिक मास को हम AMU या U के अंदर मेजर करते हैं। सिमिलरली एटॉमिक मास जो B का आएगा आपका कैलकुलेट करके वो आपका आएगा 42.64 U। तो ये हमें दो कैलकुलेट करने थे और ये हमें आपका निकाल लिए। ठीक है, सो विद दिस ये वाला वीडियो आपका एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी फोर्थ वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर।